तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर न्यू में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर MP ऑनलाइन के माध्यम से आपको मिलने वाली है भर्ती, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाली है अलग से ही यहाँ पर डिपार्टमेंट की ओर से, जो कि है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट MP ऑनलाइन पर आएंगे, तो आपको इस ब्लैक विंडो पर आपको कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन दिखाई दे जाएगा। क्लिक हियर टू अप्लाई द वेरियस पोस्ट अंडर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, तो क्लिक हियर वाले सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। सिंपली तरीके से दोस्तों यहां पर हम आ जाएंगे डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाएंगे। डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाके आपको यहां पर अलग अलग नोटिफिकेशन, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके संबंध में दोस्तों यहां पर हम अलग से आपको एक और न्यू वीडियो सेपरेट बना के देंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी चीजों की। आज हम बात करेंगे दोस्तों इसके फॉर्म फिलअप के बारे में, कि फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली मैं आपको बता दूं, UDC की आपको पोस्ट मिलेगी, LDC की आपको पोस्ट मिलेगी, स्टेनो की आपको पोस्ट मिलेगी, MTS की भी दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेगी, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको वन रक्षक की भी पोस्ट मिलने वाली है। बात करेंगे इसके फॉर्म फिलअप के बारे में, तो सिंपली तरीके से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप आएंगे और जाएंगे आप सेवाओं पर। आज की डेट से ही दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुकी है, 9 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी। क्लिक हियर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा, जिसमें दोस्तों यहां पर यदि आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर एक से अधिक पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर हम चेकआउट करेंगे क्या पेमेंट हमारा एक से अधिक पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए अलग अलग कटेगा या फिर एक ही रहेगा। तो दोस्तों यहां पर हम चेकआउट करेंगे, फॉर्म को हम एक से ज्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करके देखेंगे। जैसे कि दोस्तों यहां पर हम LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे, और साथ ही दोस्तों यहां पर हम करेंगे MTS की पोस्ट के लिए। यदि आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी अप्लाईबल करना चाहते हैं तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जरूर देख लीजिए, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको अपना नाम लिखना है, तो जो भी कैंडिडेट का नाम है वो आपको यहां पर लिखना है 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको फादर्स नेम लिखना है, फादर्स नेम भी दोस्तों यहां पर 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार लिखना है, मदर्स नेम भी आपको यहां पर 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देना है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है SC ST OBC वो आपको सिलेक्ट करना है। इंडियन अपने आप यहाँ पर सिलेक्ट आ जाएगा, मेरिट जो मेल या फीमेल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देना है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों वो आपको यहाँ पर चेकआउट करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देना है, जो भी आप यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार यहाँ पर आप डेट देंगे। इसके बाद दोस्तों यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको आप नो करेंगे, मध्य प्रदेश के हैं तो आप इसको यस करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आप सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको आप नो करेंगे। फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करेंगे, और यस करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको भरना पड़ेगा कि फिजिकल हैंडीकैप में आप किस कैटेगरी में है, ऑर्थो में है या फिर केवल ऑर्थो का ही दोस्तों यहां पर आपका आ रहा है, यहां पर हम फिजिकल हैंडीकैप नो करेंगे। और सिंपली तरीके से दोस्तों यहां पर आपको नेक्स्ट में बताना है कि आप सिंगल है या फिर मैरिड है। मैरिड है तो मैरिड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, यहां से आपको शादी की डेट लिखना है, जितने भी आपके बच्चे हैं बालक बालिका है वो आपको यहां पर शो करना है, और लास्ट अंतिम बच्चे की आपको यहां पर उसकी डेट देना है। यदि आप सिंगल है तो सिंपली तरीके से इसको आप सिंगल कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको 10th क्लास की जानकारी भरना है, तो जो भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट की जानकारी है वो आप चेकआउट करेंगे। चेकआउट करेंगे सबसे पहले दोस्तों यहां पर 10th क्लास का आपको पासिंग ईयर भरना है, पासिंग ईयर के बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना बोर्ड भरना है, तो जो भी आपका बोर्ड हो, MP बोर्ड या फिर CBSE या फिर आपका भोज, जो भी है वो आप बोर्ड में लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको स्कूल का नाम लिखना है, तो जो भी आपकी स्कूल है वो आपको यहां पर लिख देना है, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी स्कूल का नाम दोस्तों यहां पर आपको लिखना है, ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको 10th क्लास का परसेंट देना है। इसके बाद दोस्तों सेम आपको 12th क्लास की जानकारी भरना है, सेम जो आपकी पासिंग ईयर है वो भरना है। इसके बाद आपको बोर्ड भरना है, यहां पर आप अपना स्कूल का नाम भरें, और यहां से दोस्तों आपको अपना 12th क्लास का परसेंट देना है। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आप ICFRES रेगुलर एम्प्लॉय है तो आप यहां पर यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जरा से नीचे आएंगे,
तो आर यू स्टेट सेंटर एम्प्लॉय है, यदि हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसको भी आप नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, डू यू हैव टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट की गति से यहाँ पर इंग्लिश की और 25 शब्द प्रति मिनट की गति से आपकी मैनुअल टाइपराइटर पर। तो दोस्तों यदि आपने मध्य प्रदेश सीख लेखन मध्य प्रदेश मुद्र लेखन से यदि आपने 25 और 30 वाला सर्टिफिकेट पास आउट है तो आप इसको यस करेंगे। इनमें से यदि दोनों में से कोई भी आपने किया है, बोध किया है, हिंदी इंग्लिश दो ही हैं आपके पास, ध्यान रखें टाइपराइटर की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर जो टंकड़ वाली होती है उसकी बात हो रही है। यदि आपने टंकड़ पे टाइपिंग की है और आपके पास सर्टिफिकेट है, ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी लगाना है। यदि आप दोनों में हैं तो दोनों करेंगे, नहीं है तो आप इसको नन कर देंगे। हिंदी है या इंग्लिश है तो इंग्लिश हिंदी कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको नन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर दिया है डू यू हैव टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट की गति से इंग्लिश 30 वर्ड प्रति मिनट की गति से। यदि दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जैसे आप फॉरेस्ट के अप्लाई करते हैं तो फॉरेस्ट के लिए यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, यदि आप LDC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। तो इनमें से जो भी रहेगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, बोथ करेंगे, इंग्लिश करेंगे, हिंदी करेंगे या फिर नन करेंगे, जो भी आप यहां पर चाहे सेलेक्ट करेंगे। यहां पर हम बोथ करेंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास पास आउट है CPCT। नीचे आना है, नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, ड्यू टू यहाँ पर थोड़ा सा जो यूट्यूब के गाइडलाइन है उसके कारण एड्रेस का यहाँ पर आपको कॉलम स्वयं ही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट करना है, फ़ोन नंबर देना है, पिन कोड नंबर देना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है, दोनों आपको यहाँ पर भर देना है। तो जो भी आप यहाँ पर जानकारी है सिंपल तरीके से, यदि आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंट एड्रेस है तो एक साथ आप यहाँ पर टिक करेंगे, आपको यहाँ पर दोनों भरा भराया जाएगा। इसके बाद यदि आपका अलग अलग है तो आप यहां पर एड्रेस भी मैन्युअली आप भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको बैंक डिटेल देना है, बैंक डिटेल दोस्तों यहां पर आपको देना मैंडेटरी नहीं है, यदि आप चाहें तो बैंक डिटेल दे सकती हैं और नहीं चाहें तो आप इसको लीव या छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेंटर भरना है, तो जो भी आपके सेंटर केवल इतने ही दिए गए हैं, सेंटर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, तो जो भी आपके सेंटर हैं वो आप यहाँ पर उज्जैन, सतना दे सकते हैं, जो आपकी फैसिलिटी के अनुसार हैं तो वो आप यहाँ पर फुलफिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देना है, कैप्चा कोड देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आई हेयर बाय डेट डिक्लेयर्ड वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट यहाँ से आपको कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो NODP हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो जो भी आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है उस पर आपको OTP भेजा दिया गया है, और OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करेंगे, ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको OTP जो आया है वो OTP अब यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो लगाना है, फोटो दोस्तों यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आपको एक साथ अटैच करना है। तो सिंपली तरीके से आप ब्राउज वाले सेक्शन पे जाएंगे, ब्राउज वाले सेक्शन पे जाना है, आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आपको अटैच करना है। फोटो सिग्नेचर दोस्तों यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से करेंगे, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट OTP वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहां पर आ जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आप डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए, आपको 10th की मार्कशीट यहां पर आपको लगाना है, कैटेगरी यदि आपने SC ST OBC वाले हैं तो कैटेगरी लगाना है, सारी मार्कशीट है दोस्तों 200 KB में लगाना है और JPG फॉर्मेट में लगाना है, 12th क्लास की मार्कशीट लगाना है, OBC का इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों यहां पर आपको लगाना है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। और यहां पर दोस्तों LDC के लिए इंग्लिश हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर सर्टिफिकेट ओनली दोस्तों यहां पर ऑन कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो दोस्तों यहां पर जो भी आपकी टाइपिंग है टाइपिंग का दोस्तों यहां पर आपको लगाना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो दोस्तों यहां पर आपको PDF फॉर्मेट में ही आपको यहां पर लगाना है, तो यहां पर आप देख लीजिए। तो दोस्तों यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखें, यदि आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी इंग्लिश, यदि आप CPCT क्वालिफाइड हैं तो आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दोस्तों यदि आप यहाँ पर सिंपली तरीके से जो हिंदी टंकड़ वाले पास आउट हैं तो उनके लिए आपको 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उनका अलग से एक सर्टिफिकेट आता है, वो आपको स्कैन करना है। इंग्लिश के लिए आपको अलग से 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आता है, वो करना है। यदि आप दोनों पास आउट हैं तो आपको वो करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्यूटर का जो भी DCA PGDCA है वो भी सर्टिफिकेट आपको करना है। यहाँ पर CPCT वाले कैंडिडेट लगा सकते हैं कंप्यूटर का, बाकी यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, तो आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में ही आपको लगाना है, यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप सबमिट करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको आप चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर चेकआउट करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं।
हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, UPI, नेट बैंकिंग किसी से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि या तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, दो सब्जेक्ट के लिए हमारे पास यहाँ पर 2600 रुपये का आपको पेमेंट करना है। मतलब एक से अधिक पोस्टों के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर 1300 रुपये के हिसाब से आपको यहाँ पर पेमेंट रहेगी हर एक पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए, या फिर एक जो आपका पोस्ट है उसके लिए। दो से अधिक के लिए करोगे तो आपको 3900 लगेगा, तीन के लिए 3900 और एक के लिए यहाँ पर 1300 रुपये का आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। तो इसका आप पेमेंट नेट बैंकिंग, UPI से कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है तो दोस्तों यहाँ पर आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद,